नमस्कार। सर्वप्रथम भाइयों में सर्वप्रथम अपने इष्ट बजरंग बली जी को श्री महाबली महापराक्रमी महाबुद्धिमान महाज्ञानी महाप्रतापी महाभक्त श्री हनुमान जी को दिल से नमन करना चाहूँगा। उसके पश्चात मैं आप सभी यूट्यूबर भाइयों को मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको अपने लाइफ की रियल स्टोरी बताना चाहूँगा। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिएगा, दोस्तों अगर इन बातों को आप गौर करते हैं तो दोस्तों जिंदगी में कभी आपको कोई भी संकट छू नहीं सकता। दोस्तों आपको हर तरक्की मिलेगी, हर खुशी मिलेगी, आपका परिवार में आपका परिवार ढंग से फलेगा फूलेगा और दोस्तों आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका परिवार हमेशा आबाद होगा। दोस्तों ये उस समय की बात है दोस्तों जिस समय मैं सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य होता दोस्तों आगे बढ़ना, कैसे भी करके आगे बढ़ना। दोस्तों वो मैंने उस आगे बढ़ने की चाहत में दोस्तों मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया। दोस्तों मैं उस समय गोवा में रेस्टोरेंट चलाता था, मैं जब उधर रेस्टोरेंट क्लोज करके घर आया तो दोस्तों मेरे आधे सिर में दर्द हो चुके। दोस्तों मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था, धूप में मेरी आंखों में चटचटी होती थी। दोस्तों मुझे नेगेटिव विचार आते थे माइंड में, दुनिया भर के नेगेटिव विचार। दोस्तों मेरे जीवन नीरस हो चुका था। दोस्तों उस दौरान दोस्तों मैंने कंटिन्यू में दोस्तों कसोल में होता था, कसोल से जैनाला एक जगह है दोस्तों उधर शनिदेव जी का मंदिर है, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के शनिदेव जी के मंदिर जाता था। मैं हर प्रयत्न करता था कि मैं स्वस्थ हो जाऊं और मैंने सच्ची भक्ति से उधर रोज सुबह उठ के उधर पूजा पाठ किया। दोस्तों मैं बजरंग बली का मंदिर भी उधर मैं उधर रोज माथा टेकता था, मैं यही कहता था दोस्तों हे बजरंग बली मेरे मालिक मुझे ठीक कर दे, मेरा परिवार छोटा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और मैं निरंतर लगातार यही मन्नत मांगता रहा। एक दिन सुबह 4 बजे मुझे सपना आया, मेरे बजरंग बली जी ने मुझे कहा करण तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तू दिल से हनुमान चालीसा पढ़, तू मेरी शरण में आ। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए मैं उस दिन से लेकर आज तक बिना हनुमान चालीसा पढ़े, बिना नहाए, बिना हनुमान चालीसा पढ़े मैं अन्न का दाना नहीं डालता। दोस्तों ये मेरा रूल है दोस्तों, किसी भी हालत में चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा रोज सुबह, और मैं तब तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं पूजा पाठ ना कर लूं। और भाइयों यकीन मानिए जिस दिन से वो कर रहा हूं ना मेरे साथ सब अच्छा हो रहा दोस्तों, मुझे हर खुशी मिली, मेरा मेरी सब बीमारी दूर होगी। दोस्तों मैं इसलिए दोस्तों मैं अपने प्रभु को दोस्तों मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दोस्तों मेरा यही एक वरदान चाहता हूँ मैं अपने प्रभु से। दोस्तों सातों जन्म इस ब्रह्मांड से परे, सात जन्म के बाद भी दोस्तों मैं आपका भगत ही रहूँ प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिएगा। और भाइयों मैं आपको भी श्री हनुमान भगवान से ये शिक्षा लेने को कहता हूँ। दोस्तों जिस प्रकार हनुमान भगवान अपने स्वामी के प्रति सच्चे भगत थे और दोस्तों और उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार हनुमान जी ने भरपूर आत्मविश्वास के साथ लंका रूपी महाविशाल का समुद्र को लांग दिया, और जिस प्रकार उन्होंने रास्ते में कई दैत्यों को अपनी बुद्धि के द्वारा उन्हें उन पर जीत हासिल की, और दोस्तों जिस प्रकार श्री हनुमान भगवान ने पहाड़ को उखाड़ के संजीवनी बूटी ले आई दोस्तों, उस प्रकार हमें भी दोस्तों हमेशा श्री बजरंग बली जी की तरह हमेशा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा काम हो कभी मना मत कीजिए, उस मना करने से आपका आत्मविश्वास आपकी हिम्मत डगमगा जाएगी, उस काम को कर दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। और जिस प्रकार हनुमान भगवान श्री राम जी के प्रति सच्ची भक्ति दिखाते थे उसी प्रकार आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी देवता को मानते हैं, दिल से उसकी पूजा कीजिए, वो आपको सब देगा दोस्तों, सब देगा, क्योंकि पैदा भी उसने किया आपको, धरती पे उसी ने भेजा है, तो आगे भी वही संभालेगा। और भाइयों मेरा एक आपको एडवाइस है, आप पर जब भी संकट आए आप आंख बंद कीजिएगा, अपने इस पाठ को जरूर पढ़िएगा। आइए साथ में मिलकर इस पाठ को करते हैं। श्री हनुमान अष्टक
संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय विवक्ष लियो तब तीनों लोग में दारो, ताही सूत्राज भय जग कोई संकट काहू सो जात ना टारो, देव नानी करी विनती तब छाड़ दे रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तेरो, को बाली की त्रास कपि से बसे गिरी जात में पंथ ने औरो, चौकी मामू निशाब देव तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दो जरूर प्रभा मापुर सो तुम दास के शोक निवारो, को अंगद के संग लेन गे से खोज कपि से बहन उचारो, जीवित ना बचियो हम सो जो बिनो सी दिलाए या पग धारो, हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सो सिद्ध प्राण वारो, को रावण त्रास दे रक्षस कोई शोक निवारो, ताही समय हनुमान महबूब जाए मजने चर मारो, चाहत से अशोक स्वाग सुधे प्रबुद्धि का शोक निवारो, को बाण लगे उड़ लक्ष्मण के तब प्राण रावण मारो, ले गिरी बैल सुशैन समय तब गिरी दोनों सुबेरो पारो, अनि संजीवनी हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण मारो, को रावण युद्ध जान के तब नाकी फंस सब से डारो, श्री रघुनाथ समय सभी दल में संकट भारो, अनि खगे हनुमान जो बंधन काटी सुतरास मारो, को बंधु समय जब रमण रघुनाथ पाताल से धारो, देवी पूजी बलिधि से देव समय मंत्र विचारो, जाय साय भयो तब रमण सैन्य समय सारो, को काज के बड़े देवन की तुम वीर मारो देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान मारो जो को संकट मारो, को दोहा लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल अंगूर, बिजदे दानव दलन जय 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 कपीसुर, श्री हनुमन्ते नमः, श्री हनुमन्ते नमः। सो भाइयों सबसे पहले बजरंग बली जी की जय जयकार, और भाइयों आप हमेशा इस मंत्र को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, श्री हनुमान चालीसा जी को पढ़ने की कोशिश की जाए। दोस्तों मैं यकीन से कहता हूँ, 100% डंके की चोट पे कहता हूँ दोस्तों, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है दोस्तों, आप दिल से करेंगे बजरंग बली जी हर मुसीबत में आपके सामने पहाड़ बन के खड़े होंगे। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सबसे विदा चाहूँगा, और दोस्तों हमेशा मैं चाहूँगा श्री हनुमान जी हमेशा आप पर मंगल कृपा बरसाते रहें, इसीलिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय हिंद, जय भारत।